सचिव यातायात के निर्देश पर प्रभारी एआरटीओ प्रवर्तन विकास नगर द्वारा थाना सहजपुर की धर्मावाला चौकी पुलिस के साथ मिलकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज धर्मावाला दीपक मैथानी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगभग एक दर्जन वाहनों के चालान किए गए, जबकि प्रभारी एआरटीओ प्रवर्तन विकास नगर एस के निरंजन द्वारा 25 वाहनों के चालान करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगले 24 घंटे के लिए 4 फोन मोटरसाइकिल चालकों व एक फोन कार चालक से जब्त किया गया। अभियान के दौरान ज़्यादातर चालान प्रेशर हॉर्न, सीट बेल्ट व कागजात पूरे न होने पर किए गए। ये सचिव महोदय के आदेशों के अनुपालन में और संभागीय प्रवर्तन अधिकारी महोदय के आदेशों के निर्देशों के अनुपालन में समस्त थाना अध्यक्षों, चौकी इंचार्ज सभी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और आज हम जो है यहाँ पर हरबतपुर में, पहले हरबतपुर में की गई हमारे द्वारा चेकिंग, उसके बाद अब धर्मावाला चौकी इंचार्ज साहब के साथ चेकिंग की गई, जिसमें करीबन हमारे द्वारा 25 चालान किए गए अभी तक, 2 गाड़ियाँ सीज की गई और सभी प्रकार के अभियोगों में चालान किए गए। खासतौर से देखने जा रहे हैं कि प्रेशर हॉर्न पे खासतौर से नजर है, हमारे द्वारा प्रेशर राउंड में भी लगातार चालान किए जा रहे हैं, आज पर मंथ भी इन पर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली विकास नगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम द्वारा अगस्त 2018 में जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने के मामले में फरार चल रहे शातिर इनामी बदमाश को सेक्टर 38 गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। सीओ विकास नगर वीडी उनियाल ने बताया कि डालीपुर में लगभग 10 बीघा जमीन जो कि मैसर्स माउंटेन कंस्ट्रक्शन की है, जिसके सुधीर मलिक निवासी ग्राम लिसाड़ थाना शामली उत्तर प्रदेश और उसके साथियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचा गया था। इस संबंध में धारा 420, 467, 468, 471, 120B व 506 IPC में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलवंत सिंह और चौकी प्रभारी हरपुर प्रमोद कुमार की पुलिस टीमों को 25 रुपये के शातिर इनामी बदमाश सुधीर मलिक को सेक्टर 38 गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल के गेट के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। अभियुक्त पिछले 3 साल में गिरफ्तारी के डर से घर से बाहर अलग अलग जगह किराए का कमरा लेकर व होटलों में रह रहा था। पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा विकास नगर कोतवाली लाकर मामले की विवेचना के आधार पर शुक्रवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। एक सुधीर मलिक शातिर किस्म का ये इनामी बदमाश है जो पिछले 3 साल से लगातार फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। ये एक सूचना पे कल गुड़गांव में ये गिरफ्तार किया गया है और ये मामला 2018 का था, जमीन से संबंधित धोखाधड़ी का मामला है जिसमें से गिरफ्तार कर आज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये मामला 420, 467, 468, 471, 120B IPC के मामलों में ये दर्ज था। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।